अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडानिक्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एचलन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है। इससे पहले हम एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस को पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर जो है नहीं देखा तो काइंडली पॉज दिस वीडियो और जाके पहले एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस वाली वीडियो जो है इसको अच्छे तरीके से देखें, फिर आपको एचलन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स समझना ईजी रहेगा। देखते हैं जी एचलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है। अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m बाय n, कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है m बाय n, इज सेड टू बी रो एचलन फॉर्म। अब रो एचलन फॉर्म का क्या मतलब है कि इसमें हमने रो के अकॉर्डिंग ऑपरेशंस किए हैं। इफ इट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, उसमें कौन कौन सी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हो। ऑल नॉन जीरो रोज शुड बी अबव द जीरो रोज, जो भी नॉन जीरो रोज हैं वो जीरो रोज से अबव होनी चाहिए। मतलब कि जो भी मैट्रिक्स है उसकी अरेंजमेंट या सेटिंग इस तरीके से करें कि जो जीरो रोज हैं वो सबसे एंड पे हों और जो नॉन जीरो रोज हैं वो जीरो रोज से अबव हों। सेकंड, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि द नंबर ऑफ जीरो अकरिंग बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ईच नॉन जीरो रो, किसी भी नॉन जीरो रो में जो नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हैं उनकी तादाद इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ जीरोज दैट अपीयर्ड बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन अ प्रीसीडिंग रो। जो हम नेक्स्ट रो बनाने जा रहे हैं, लेट्स सपोज एक रो हमने नॉन जीरो वाली लिख दी, अब जो उसके बाद हमने सेकंड नॉन जीरो एलिमेंट वाली रो बनानी है उसकी जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि पहले जो नंबर ऑफ जीरोज पहली रो में आए हैं उससे नेक्स्ट रो में नॉन जीरो एंट्री से पहले पहले जीरोज जो हैं वो ज्यादा होने चाहिए पहली रो के मुकाबले में। ये इस सेकंड प्रॉपर्टी का मेन जो आइडिया है वो ये है। अब इसकी हम एग्जाम्पल से जो है एलेबोरेशन करते हैं कि एचलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। लेट्स सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके जो ऑर्डर है वो है 4x4 का। पहली रो है इसकी 0 0 0 0, दूसरी रो है 0 0 1 0, तीसरी है 1 0 0 0, चौथी है 0 1 0 0, चार रोज चार कॉलम्स, ऑर्डर इसका 4x4 है। अब इसको हमने एचलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमने इसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। अब जब ये मेरे पास मैट्रिक्स है, ये हमने रो जो ऑपरेशन है उनमें पढ़ा था कि हम रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। जब हम रोज को इंटरचेंज करते हैं तो जो हमारा मैट्रिक्स रिजल्टेंट बनता है आफ्टर इंटरचेंजिंग द रोज, तो वो हमारा इक्विवेलेंट होता है किसके, मैट्रिक्स ए के। अब जब मैं इस मैट्रिक्स 4x4 वाले की जो मैट्रिक्स ए है उसको रो एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो उसी तरीके से मेरा वो इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स ए आ जाएगा। क्या करते हैं जी, उन्होंने कहा है कि नॉन जीरो रोज हैं वो पहले हों और जीरो रोज बाद में हों। सबसे पहले आप क्या करें, जो जीरो रोज हैं उनको नीचे लिखना है और नॉन जीरो रोज पहले लिखनी है। अब नॉन जीरो रोज और जीरो रोज कौन सी होती हैं, मैं फिर बताता हूं। जीरो रोज वो रोज हैं जिनमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स जीरो हो, वो रो हमारी जीरो रो कहलाती है। इसमें तमाम के तमाम एलिमेंट जीरो हैं तो इसको हम जीरो रो बोलेंगे। अब 0 0 1 0, इसमें एक नॉन जीरो एलिमेंट है, 1 0 0 0, इसमें भी एक नॉन जीरो एलिमेंट है, 0 1 0 0, इसमें भी नॉन जीरो एलिमेंट है। जिस रो में मिनिमम एक जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो हो, बाकी सारे के सारे जीरो हो, उस रो को नॉन जीरो रो बोलते हैं। अब ये तीनों रोज में एक एक नॉन जीरो एलिमेंट है इसलिए इनको नॉन जीरो रोज बोलेंगे, नॉन जीरो रोज। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी वो ये कह रहा है कि तमाम नॉन जीरो रोज जो हैं वो जीरो रोज से ऊपर होनी चाहिए। अब ये तीन नॉन जीरो रोज हैं, इनको हम एज इट इज ऊपर लिख लेते हैं, 0 1 0 0, एक जीरो रो रहेगी इसको एट द एंड लिख देते हैं। मैट्रिक्स हमारा वही है लेकिन इक्वेलेंट टू ए आ गया क्योंकि हमने इनकी रोज जो है वो इंटरचेंज कर दी है, इक्वेलेंट मैट्रिक्स ए आ गया।
ऑर्डर है इसका 4 बाय 4, जीरो रोज चूंकि एंड पे रहनी है इसको हम लास्ट पे लिख लेते हैं पहले। अब हमने ये देखना है कि तीनों रोज में से वो कौन सी रो ऐसी है जिसमें नॉन जीरो एंट्री से पहले पहले नंबर ऑफ जीरोज जो हैं वो सबसे कम है। पहली रो देखो तो इसमें 2 जीरोज हैं, सेकंड रो देखें तो नॉन जीरो एंट्री से पहले 1 भी जीरो नहीं है, थर्ड रो जो है इसमें नॉन जीरो एंट्री से पहले 1 जीरो है। इसका मतलब सबसे कम जो जीरोज हैं वो इस रो में है नॉन जीरो एंट्री से पहले। सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 1 0 0 0, सेकंड रो हो गई। इसके बाद देखेंगे इससे ज्यादा हो, मिनिमम 1 जीरो ज्यादा हो, क्योंकि यहां पे कोई भी नहीं है, इसका मतलब आगे वाली में 1 जीरो होना चाहिए। तो 1 जीरो वाली रो कौन सी है, ये थर्ड वाली, ये यहां पे आ जाएगा 0 1 0 0। इसके बाद लास्ट कौन सी रो रह गई है, 0 0 1 0 0 0 1 0। ये जो फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बन गई है इसको हम बोलते हैं एचिलॉन फॉर्म, एचिलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए। ये एचिलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए है। अब इसकी फॉर्म को आप देखें कि सबसे पहले आपने नॉन जीरो रोज जो है उसको अबव जीरो रो रखना है, ये तीनों नॉन जीरो रो है, ये जीरो रो है, इसको अबव नॉन जीरो रो रखना है। उसके बाद आपने जो नॉन जीरो रोज है उसकी सेटिंग इस तरीके से करनी है कि सबसे पहले नंबर वन जो है जिस नॉन जीरो एंट्री में वो वाली रो आए, उसके बाद आपने देखना है कि अगर पहले 0 1 भी नहीं है, उसके बाद जिसमें पहले नॉन जीरो एंट्री से पहले 1 जीरो है उसको लिखेंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग जो हम तरतीब के हिसाब से 1 के बाद 2 जीरोज हैं, 2 के बाद 3 जीरोज हैं, अगर नहीं है तो 0 रो है हम यहां पे लिख देंगे। तो इस तरीके से जो मैट्रिक्स की सेटिंग होती है या मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट होती है उस फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स को हम एचिलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, क्योंकि ये रो ऑपरेशंस की वजह से होता है इसलिए इसको रो एचिलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। जी तो मेरी कॉम के नौजवानों, इस लेक्चर में हमने ये देखा है कि एचिलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कौन सी होती है। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर सुनने के लिए YouTube पर और Google पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें। अल्लाह ने के बाद।